हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोड स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो मोड लेके आया हूँ वो आपकी बहुत सी पुरानी यादों को ताजा कर देगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने GTA वॉइस सिटी बहुत खेला होगा। मैंने भी बहुत खेला है, और शायद अगर रॉकस्टार की बात की जाए तो रॉकस्टार कंपनी के गेम्स से मैं वहीं से जुड़ा था, GTA वॉइस सिटी से, और बहुत से लोग वहीं से जुड़े थे क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला उस टाइम पे GTA वॉइस सिटी था। तो उसी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या फिर मेन कैरेक्टर है वो है टोमी। तो उसकी स्टैचू लगाएंगे हम अपने GTA 5 में, ताकि वो आते जाते हमें दिखे और हमारी पुरानी यादों में कुछ ताजगी आए। तो जो मोड है उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग सिंपली वहां से जाके मोड को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी मोडिंग या फिर अपना जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो, और ये बेसिकली एक स्टैचू रिप्लेसमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोड सब के फोल्डर में, और यहाँ पे ये मेरे पास मोड की जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप मोड स्टफ फोल्डर मेंशन, ओके, और मेंशन में आ जाऊँगा मैं। तो ये रहा हमारे पास फोल्डर, और इसमें आपको बैकअप फाइल मिल जाएगी। तो आपको ये दो फाइल कॉपी पेस्ट करनी है, यानी कि रिप्लेस करनी है। तो हमारे पास मेन जो फाइल है वो ये है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इनमें दोनों फाइल मिलेंगी और उनके साथ आपको फोटो मिलेगी, या फिर आप लोग समझो कि देखो 6 तरीके के स्टैचू हैं जो आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है फर्स्ट वन, और ये है सेकेंड वन, इसके अलावा ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ स्टैचू है। तो 6 तरीके के स्टैचूज आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये जो सिक्स्थ नंबर पे है इसी को रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें करना ये है कि एक बार इसको हम देखते हैं, यहाँ पे बैक आ जाते हैं और रीडमी जो फाइल है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि आपको कैसे इसको रिप्लेस करना है। तो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो ये है लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ पे वो आपको मिलेगा। तो लोकेशन मैं दिखा दूंगा आपको बाकायदा गेम में। तो इसके लिए आप लोगों को लगेगा ओपन आईवी, तो हम लोग ओपन करते हैं अपना ओपन आईवी। तो हमारा ओपन आईवी है वो ओपन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो एडिट मोड को ऑन करूंगा, इसके बाद हम आ जाएंगे अपने मोड्स के फोल्डर में, और यहाँ पे आ जाएंगे x64l.rpf, और ये फाइल आपको मिलेगी आपके GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। तो वहां से आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना। तो इसको ओपन करते हैं, लेवल्स GTA 5, इसके बाद CTW और Bravely 1, और यहाँ पे सर्च बार में हम सर्च करेंगे तो उसके लिए हमें नेम लगेगा। तो फाइल्स, और हम सिक्स फाइल करने वाले थे, तो सिक्स्थ फाइल में सबसे पहले तो हम करेंगे इसका नेम कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे यहीं पे इसको। तो ये रहा हमारा फाइल। तो एक बार इसको ओपन करते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको जो स्टैचू है वो मिलता है। तो ये स्टैचू हमें रिप्लेस करना है, तो अब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग रिप्लेस, और उस डायरेक्टरी में या फिर उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इसको अनजिप करके रखा है। तो मैं आ जाता हूँ फाइल्स में, और सिक्स्थ, और जो फर्स्ट वन है वो, तो ये फर्स्ट वन है वो हमारा रिप्लेस हो गया है। अब करेंगे हम सेकंड वन, तो इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी इसका नेम, और सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये YTD है और ये है YDR। तो आप लोगों को .YDR फाइल्स को ही कॉपी पेस्ट करना है या फिर रिप्लेस करना है। तो हम लोग इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे रिप्लेस और सेकंड वन को सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा रिप्लेसमेंट का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इतना ही रिप्लेसमेंट था। अब चलिए देखते हैं अपने GTA 5 में चल के, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ वो लोकेशन जहां पे ये आपको मिलेगा या फिर रिप्लेस हुआ है ये जिस लोकेशन पे। तो
तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने GTA 5 में, और अब हम लोग डायरेक्ट टेलीपोर्ट होंगे उस लोकेशन पे। तो मैं हो जाता हूँ यहाँ पे टेलीपोर्ट। और अब मैं मेनू ट्रेनर की हेल्प से वहां पे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। टेलीपोर्ट ऑप्शन, टेलीपोर्ट टू वे पॉइंट। और अभी हम कोई व्हीकल लेंगे यहाँ से। एक बार मैं व्हीकल ले लेता हूँ कोई भी। व्हीकल, व्हीकल स्पोनर मॉडल DUFFALO2। तो चलिए अब चलते हैं उस स्टैचू के पास जो रिप्लेस हुई है, या फिर ये कहा जाए कि हम लोगों ने रिप्लेस की है। तो दिस कार इज गोना बी पार्क्ड आउटसाइड योर हाउस। तो दिस वन इज द स्टैचू, ये है वो स्टैचू जो हम लोगों ने रिप्लेस किया है। और इसके आप लोगों को दो तीन वर्जन मिलते हैं, तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हो। दो तीन नहीं बल्कि 6 वर्जन मिलते हैं इस स्टैचू के। तो 6 तरीके की स्टैचू मिलती है आपको टोमी की, तो वो आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे पहले एक हॉर्स की फोटो थी, या फिर हॉर्स की स्टैचू थी, एक घोड़े की स्टैचू थी, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है टोमी के इस स्टैचू के साथ। और ये स्टैचू आप लोगों को कैसी लगी, या फिर ये मोड आपको कैसा लगा, तो ये चीज आप मुझे जरूर बताएं। और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और टेक केयर नहीं, पहले इसकी केयर करते हैं। हाँ, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।